हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो आप लोग के लिए काफी खास है क्योंकि कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक तारीख से स्टार्ट हो गई। सॉरी गाइस, मैं लेट हो गया, पर मैं आप लोग को ये कहूंगा कि मैंने कल भी वेबसाइट चेक किया था, पता नहीं क्या हुआ मेरे कंप्यूटर को, मैंने चेक नहीं कर पाया, क्या हुआ पता नहीं। पर यहाँ पर मैं आप लोग को कहूंगा कि हाँ भाई, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 6 दिसंबर लास्ट डेट है, तो अभी टाइम है, भर सकते हो। जिसको नहीं पता वो जान लो, यहाँ पर 10 बजे रात तक भर सकते हो उस फॉर्म को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही लेगा, रैंक कार्ड के हिसाब से ही बच्चे को मिलेगा, तो रैंक कार्ड में जैसा आपका नंबर हो। यहां पर मैं आप लोग कह देना था ना, बहुत सारी सीट है, सीएससी में ज्यादा सीट है, तो सीएससी पक्का ट्राई करो। एससी कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा चांसेस हैं, सबसे ज्यादा चांसेस हैं ओबीसी ए कैंडिडेट और ओबीसी बी कैंडिडेट्स के लिए, पर सबसे ज्यादा एससी कैंडिडेट्स के लिए। बात करूं यहां पर टीएफडब्ल्यू का कोई भी सीट नहीं दिया हुआ है। यहां पर आप लोग को एक और चीज कहूं, जनरल का कैंडिडेट का सीट काफी ज्यादा है, तो सीएससी में कट ऑफ होने वाली है 4000 मेरे ख्याल से, ईसीई की कट ऑफ होनी चाहिए 5000, पर आप मेरे ख्याल से यहाँ पर कहूंगा मैकेनिकल 6000-10000 तक भी जा सकता है और इलेक्ट्रिकल भी 10000-12000 तक जा सकता है। मैंने देखा था लास्ट ईयर मैकेनिकल में 8000 चली गया था, तो इस साल और भी जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को कहूंगा कि हाँ, ट्राई करो पक्का। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स में सिंपल है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, सेल्फ असिस्टेड कॉपी का आपको रैंक कार्ड का देना पड़ेगा, साथ में ध्यान रखें एज प्रूफ आपको देना पड़ेगा, सेल्फ असिस्टेड फोटो कॉपी ऑफ द मार्कशीट और सबसे इंपॉर्टेंट एससीएससी हो तो वो, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कैसे बनाते हैं, तो वैसे करके आप बना सकते हो। चाहते हो एक और वीडियो तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हो। साथ में हम लोग यहाँ पर कहूँ तो यहाँ पर 6 दिसंबर को आपको भरना पड़ेगा, 8 तारीख को आपकी फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट आएगी, 9 तारीख को आपका फाइनल लिस्ट आ जाएगा, 10 तारीख को आप लोग को एडमिशन करवानी पड़ेगी, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, 13 तारीख तक एडमिशन हो जाना चाहिए, अदरवाइज घर जाओ आप लोग। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे फॉर्म भरना है, यहाँ पर प्रोफॉर्मा ए आप लोगों को भरना है। साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है कि 12वीं की सर्टिफिकेट आपको देनी है, 10वीं की सर्टिफिकेट देनी है, डेट ऑफ बर्थ में आप लोग दे सकते हो। साथ में आप लोग एंटी रैगिंग का फॉर्म भर सकते हो। एंटी रैगिंग का फॉर्म कैसे भरते हैं, यूट्यूब पर सर्च करो कि एंटी रैगिंग फॉर्म फिलअप 2020, तुम्हारा भाई वहां बैठा रहेगा, तो वहां पर आप उसकी वीडियो को देख सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर प्रोफॉर्मा में भी आप लोग यहाँ सारी देख सकते हो, यहाँ पर फी स्ट्रक्चर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि सिंपल एंड ईजी फी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को एक टिप देना चाहूंगा, फीस आप लोग यहाँ पर पे कर देना और बाद में अपने जो इस भी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो उस एडमिशन में जाकर आप लोग वहाँ पर फीस विड्रॉ का लेटर दे देना, कुछ 6-7-8 दिन में आप लोग को फीस वापस मिल जाएगा। पर हाँ, ध्यान रखें कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, क्या बताया, ये जो आप लोगों का फीस है ये आप लोगों को खुद भरना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले जल्दी भर लें क्योंकि टाइम काफी कम है, 13 तारीख के अंदर मेरे ख्याल से आपको कॉलेज पैसा नहीं देने वाली, तो ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को रेफर करना चाहूंगा अनअकैडमी को। अनअकैडमी आज के दिन पे वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, जहां पर गाइज आप लोग यहाँ पर काफी कुछ सीख सकते हो, चाहो तो इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी सर्च करना है, इंस्टॉल कर लेना है, बड़ा आसान है। उसके बाद जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक डेली T20 सीरीज का एक लिंक। इस लिंक को आपको कैसे करना है काम, यहाँ पर सबसे पहले इसको क्लिक करना है, आप लोग यहाँ पर चले जाओगे जहाँ पर एनरोल का ऑप्शन आएगा आप लोगों के पास, उसे क्लिक कीजिएगा, एनरोल हो जाएगा। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसमें आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, किसी भी एक चीज से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब आप अनअकैडमी के अंदर रजिस्टर हो जाते हो। इसके बाद जो भी पर्टिकुलर कोर्स के आपको जानना है उसके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है। बात करें अनअकैडमी की तो 250 से ज्यादा कोर्सेज वो ऑफर करते हैं, पर यहाँ पर मैं कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट KCET के बात कर रहा हूँ, जहाँ पर काफी फ्री के लाइव क्लासेस भी हैं, काफी कुछ है उनके पास, वेरिएंट्स हैं। तो सबसे पहला काम आप लोगों का यहाँ पर डेली T20 सीरीज पर क्लिक करना है, आपको चले जाना है, टेस्ट को देना है। टेस्ट कैसे है, MCQs फॉर्मेट में, काफी अच्छा सा टेस्ट उन्होंने बनाया है, मैंने भी टेस्ट दिया है, काफी अच्छा लगा मेरे को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे काफी सुंदर भी लग रहा था उस चीजों को देखने के। देखिए, जो भी चीज मैं आपको ऑफर करता हूँ उसके पहले मुझे टेस्ट करना पड़ता है, तो मैंने टेस्ट किया, काफी अच्छा लगा। MCQs फॉर्म में कुछ कुछ क्लिक किया मैंने देखा कि स्कोर भी जो है मेरा दिखा दे रहा है, आपको क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी दिखा दे रहा है, बहुत ही अच्छी चीज है, मैं आपको जरूर रेफर करता हूँ, टोटली फ्री है, जरूर जाइए। होपफुली गाइज ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हाँ, मुझे पता है मैं लेट हो चुका हूँ, पर आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव था, तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना आप लोगों का बनता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मोर इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। एक और चीज मैं आप लोगों को कहूंगा कि Q&A में पार्टिसिपेट करने के लिए #Q&A के साथ आप लोग अपने कमेंट को कीजिए, हम लोग संडे के Q&A में आपका क्वेश्चन जरूर लेंगे। साथ में मैं आप लोग को ये भी कहूंगा कि ये सारी जो अपडेट्स हैं आप भी चेकआउट करते रहिए, हो सके तो मुझे भी अपडेट कर दीजिए। गाइज स्टडीज की प्रेशर काफी बढ़ चुकी है, तो आई नीड टू हैंडल दैट टू, सो यहाँ पर गाइज मैं आपको लेट हो गया। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चीज के लिए इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।